हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सीएससी रजिस्ट्रेशन के फुल प्रोसेस के बारे में। हाँ जी दोस्तों, सीएससी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। सीएससी रजिस्ट्रेशन के फुल प्रोसेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लाइव प्रूफ के साथ हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने घंटी के आइकन को भी दबा दो, जिससे आपको हमारी नई नई लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। दोस्तों, सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हमें सीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है। इसके बाद आपको इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ नया पॉपअप खुल कर आएगा। यहाँ आपको एप्लीकेशन टाइप चूज़ करना है, तो सीएससी वीएलई के लिए है। और यहाँ टीसी सर्टिफिकेट नंबर ये मांग रहा है, जिसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इस वीडियो में आज इसी को हम बात करने वाले हैं कि हम टीसी सर्टिफिकेट का नंबर कहाँ से ले सकते हैं या बनवा सकते हैं, तो इसी के फुल प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए आपको जो साइड में लिंक दे रखी है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है, तो कुछ नया पेज खुलकर आपके सामने आएगा। इससे आपको लॉगिन विद अस पर क्लिक करना है, तो कुछ नया पेज ओपन होगा। यहाँ आपको लॉगिन एज ए आई एस बी जनरल पब्लिक यूज़र पर क्लिक, यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। कुछ नया पॉपअप खुल कर आएगा, यहाँ आपको पूरा अपना फॉर्म फिल कर देना है, जैसे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और आपको 50 KB से कम का फ़ोटो अपलोड करना है। और यह सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जल्दी से मैं डिटेल फिल कर देता हूँ, अपनी डिटेल स्किप कर दूँगा। सबमिट करने के बाद बताता हूँ आपको फुल प्रोसेस। दोस्तों, जैसे ही मैंने फुल फॉर्म भर के सबमिट पर क्लिक किया, तो कुछ इस तरह का पेज मेरे सामने ओपन हुआ, जिसके लिए आपको 1479 रुपीज़ का पेमेंट करना है। इसके लिए मैं पेमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आपके बताने के लिए यह वीडियो बनाया था। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैं अपना ईमेल आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप वहाँ से आपका फॉर्म फिल कर दूँगा। आपको रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ, तो फुल प्रोसेस आपको मैं बताऊँगा। केवल आपको फीस के ही पैसे देने, फ्री रजिस्ट्रेशन होगा। आप 5 टाइप से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, और ये भारत QR है, सभी से आप इनका पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिर करने के बाद यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जब ये ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा, जब यहाँ से आपका फीस पे हो जाएगी, तो पेमेंट सक्सेसफुल लिख कर आ जाएगा और ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा ही। वहाँ से आपको एक आईडी और यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा, जिसको आपको लॉगिन करना है। उससे ही मैं बता देता हूँ कहाँ आपको लॉगिन करना है। तो आपको सिंपली यहाँ आ जाना है टीसी की वेबसाइट पे, TEC, या वहीं से जहाँ से आपने सीएससी के लिए अप्लाई किया था, यहीं वेबसाइट पर आ जाना है, इस वाली पर। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से लॉगिन भी 10 पर क्लिक करना है आपको। जो पेमेंट करने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल रहा था, वहाँ से यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ पर्सनल डिटेल आएंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जो जिन्हें आपको पढ़कर एक एग्ज़ाम होता है TEC का, उसे क्लियर करना होता है। उस एग्ज़ाम को आप ऑनलाइन ही क्लियर करेंगे, सिंपली आपको घर बैठे ही क्लियर करना है। जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है, वो जब भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करते सार ही बता दिया जाएगा। उसके 3 से 4 दिन बाद आपको वहीं एग्ज़ाम रिजल्ट के पास में ही सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसका सर्टिफिकेट नंबर ले सकते हैं। फिर सिंपली आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर आ जाना वापस। यहां आपको वही प्रोसेस करना, सीएससी बीएलई, यहां TEC सर्टिफिकेट नंबर डालना है या मोबाइल नंबर, और यहाँ आपको कैप्चा फिल कर देना, सबमिट पर क्लिक करना। फिर आगे फुल प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताओ वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।